दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की सीरीज में शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम को T20 सीरीज में मिली शानदार जीत तो कोच गौतम गंभीर ने भावुक होते हुए दे दिया इमोशनल बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद में गौतम गंभीर का बयान सामने आया है। इस बीच हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आप भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल समझेंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम के जीत के बाद गौतम गंभीर ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की सीरीज में जीत की असली वजह क्या रही, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा की आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को 20 ओवर के अंदर 161 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोक दिया था, जहां पर कुशल परेरा ने सर्वाधिक 53 रनों का योगदान दिया। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से रवि बिश्नोई ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। वहीं अक्षर पटेल, अर्षदीप सिंह और हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिले। हालांकि लक्ष्य का पीछा के लिए आई भारतीय टीम को बारिश के चलते 8 ओवर में 78 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसको 6.3 ओवर में भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल कर लिया, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने 30, सूर्य कुमार यादव ने 26 और हार्दिक पांड्या ने 22 रनों का योगदान दिया। और ऐसे में भारतीय टीम की सीरीज में जीत के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने आखिरकार रोते हुए इमोशनल बयान दिया, जिसमें गौतम गंभीर ने कहा कि भारतीय टीम को T20 सीरीज के दूसरे मैच में शानदार जीत मिल चुकी है। आज भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया। भारतीय टीम की तरफ से सीरीज के अंदर किसी एक या दो खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि पूरी टीम ने एकजुट होकर अच्छा प्रदर्शन किया है, जो बताता है कि अब भारतीय टीम किसी एक या दो खिलाड़ी पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहती है, बल्कि भारतीय टीम अब सभी खिलाड़ियों के थोड़े थोड़े योगदान के चलते भी जीत दर्ज कर सकती है। भारतीय टीम को सीरीज के अंदर जीत मिल सकी है तो उसके पीछे एक या दो खिलाड़ी का हाथ नहीं, बल्कि सभी गेंदबाज और बल्लेबाजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ऐसे में भारतीय टीम को इस सीरीज में मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा भावुक हो गया, क्योंकि भारतीय टीम ने कोच के तौर पर ये मेरी पहली सीरीज थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के लिए कोच के तौर पर मैं पहले सीरीज में काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था और भारतीय टीम को जीत के तरफ ले जाने की कोशिश करने वाला था, जो मैंने कर दिखाया है। हालांकि इस सीरीज के अंदर भारतीय टीम की तरफ से तमाम टीम के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मुझे अगर किसी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वो है टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और पूर्व उप कप्तान हार्दिक पांड्या, जहां पर सूर्या ने तो अपनी कप्तानी से सभी को प्रभावित किया, साथ ही में अपनी बल्लेबाजी से भी पूरी दुनिया को फैन बनाया है। तो दूसरी तरफ से पांड्या ने सिर्फ अपनी शानदार गेंदबाजी से ही सभी को प्रभावित नहीं किया, बल्कि बल्लेबाजी से भी टीम को जीत दिलाने का काम किया। और ऐसे में इन दो दिग्गज खिलाड़ियों के चलते भारतीय टीम को मजबूती मिली है, जो आगे जाकर और भी अच्छे में तब्दील हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम को किस खिलाड़ी के चलते जीत मिली, कॉमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, पहले ही T20 मैच में भारत के खिलाफ 5 विकेट लेने के बाद भी हार गई श्रीलंका तो बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़े गेंदबाज मथीशा पथिराना। लेकिन फिर महेंद्र सिंह धोनी को याद कर उन्हें अपना दूसरा पिता तक बताते हुए CSK ब्लड ने कह दिया कुछ ऐसा, सच में जीत लिया है करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। तो आखिर क्यों 5 विकेट लेने के बाद पथिराना को आई महेंद्र सिंह धोनी की याद। पथिराना ने क्या कुछ भावुक बयान देते हुए कहा, ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन बेहतर कप्तान है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का आगाज हो चुका है। पहले T20 मुकाबला पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछला तो श्रीलंका के पक्ष में गिरा, लेकिन श्रीलंका के कप्तान ने भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। मगर उनके लिए ये फैसला बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय ओपनर बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरते ही तांडव मचाना शुरू कर दिया। जायसवाल और शुभमन गिल ने हर गेंदबाजों की कुटाई की। इसके बाद सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ने भी मैदान पर तांडव मचाया।
इन दोनों खिलाड़ियों ने भी अर्धशतकीय साझेदारी बनाई। सूर्य कुमार यादव ने केवल 22 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोका, लेकिन श्रीलंका को जब जब विकेट की जरूरत थी उनके खतरनाक गेंदबाज मथीशा पथिराना ने विकेट निकाल कर दिए। पहले उन्होंने कप्तान सूर्य कुमार यादव को LBW आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या को भी अपना शिकार बनाया। उन्हें ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने ही नहीं दिया, फिर रियान पराग को भी चलता किया, उसके बाद ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड किया और एक के बाद एक भारतीय टीम के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम की कमर ही तोड़ दी थी। लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम ने श्रीलंका के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया था। लेकिन पथिराना की गेंदबाजी देखकर भारतीय खेमा से लेकर श्रीलंका हर कोई खुशी से झूम रहा था, लेकिन पथिराना बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद काफी भावुक हो गए और उन्हें महेंद्र सिंह धोनी की याद आ जाती है। उसके बाद उन्होंने धोनी के लिए अनमोल शब्द कहते हुए कह दिया कि जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। तो चलिए हम आपको पथिराना का वो वायरल बयान सुनाते हैं। 4 विकेट लेने के बाद पथिराना ने बयान देते हुए धोनी को लेकर क्या कहा। आज मैं टीम के लिए अपना योगदान देकर काफी खुश हूँ। मैं जब बॉलिंग में आया मुझे पता था कि मैं बल्लेबाजों को रोक सकता हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत क्रिकेट खेला है। जब मैं CSK में था तो धोनी सर से मुझे बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। सच कहूँ तो आज मैं जो कुछ भी हूँ धोनी सर की वजह से ही हूँ। उनकी वजह से ही मुझ में कॉन्फिडेंस आया है और मैं ये सब हासिल कर पाया हूँ। वो मेरे पिता जैसे हैं और मैं इस तरह से उनको ट्रीट करता हूँ। मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन दोस्तों, उनकी इतनी मेहनत के बाद भी जब श्रीलंका हार गई तो ये खिलाड़ी बुरी तरीके से टूट गया। यहाँ तक कि आगे उन्होंने ये तक कह दिया कि यदि हमारे बल्लेबाजों ने थोड़ी अच्छी बैटिंग की होती तो हम आसानी से मैच जीत जाते। खैर कोई बात नहीं, अगले मैच में मैं और पहले बॉलिंग करने आऊंगा और अकेले टीम इंडिया को बल्लेबाजों को तहस नहस कर दूंगा, क्योंकि अगले मैच में हमें जीतना बेहद जरूरी है और हम इसे जीत के रहेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से पथिराना ने टीम की हार के बाद भावुक मन से बयान दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, हेड कोच बनते श्रीलंका के खिलाफ गौतम गंभीर ने लगाई दहाड़। T20 सीरीज के लिए गौतम गंभीर ने तैयार की नई और खूंखार प्लेइंग 11। लंका को रौंदने के लिए अब ऐसे चुनिंदा खिलाड़ियों को दिया है मौका। नाम सुनकर ही खौफ में आ गया पूरा श्रीलंका। तो आखिर गौतम गंभीर ने दादागिरी दिखाते हुए अब किन किन खिलाड़ियों को दिया है लंका के खिलाफ पहले T20 में जलवा दिखाने का मौका। गंभीर ने किस खिलाड़ी को बनाया है कप्तान। श्रीलंका को धूल चटाने के लिए क्या रहने वाली है प्लेइंग 11, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा में कौन है सबसे बेहतर कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले जिम्बाब्वे को धूल चटाने के बाद अब टीम इंडिया श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम को 3 मैचों की T20 सीरीज और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। भारत के श्रीलंका दौरे की शुरुआत 27 जुलाई को पहले T20 के साथ होगी। श्रीलंका में टीम इंडिया 12 दिनों में कुल 6 मैच खेलेगी। भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई को 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा, फिर दूसरा T20 मैच दिन यानी 28 जुलाई को और तीसरा व अंतिम T20 मैच 30 जुलाई को खेला जाएगा। T20 सीरीज के सभी मैच पल्लिकल में खेले जाएंगे। T20 सीरीज के बाद 2 अगस्त से दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज का दूसरा मैच 4 अगस्त और तीसरा व अंतिम मैच 7 अगस्त को खेला जाएगा। वनडे सीरीज के सभी मैच कोलंबो में खेले जाएंगे। दोनों टीमों के बीच इस सीरीज में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, ये दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में भी आमने सामने नहीं हो पाई थी। दोनों टीमें अलग अलग ग्रुप में थी, इसीलिए दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। दोनों टीमों में एक से एक खूंखार खिलाड़ी भरे हुए हैं, जिसके लिए BCCI ने टीम का स्क्वाड भी ऐलान कर दिया है। वहीं स्क्वाड मिलते ही हेड कोच गौतम गंभीर और BCCI ने श्रीलंका दौरे के लिए T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि इस सीरीज में रोहित, कोहली और जडेजा नहीं दिखने वाले हैं। इन तीनों सुपरस्टार खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 क्रिकेट को अलविदा बोल दिया है। BCCI ने काफी बड़ी जिम्मेदारी नए नवेले कप्तान सूर्य कुमार यादव के कंधों पर सौंपी है, जिसके बाद वहीं गौतम गंभीर ने भी पूरी जिम्मेदारी का फर्ज निभाते हुए अभी से पहले T20 मैच के लिए श्रीलंका के खिलाफ पूरी प्लेइंग 11 बदल कर रख दी है और नए नए ऐसे खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया है जो अकेले दम पर टीम को जीत दिला सकते हैं, बल्कि श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कैसी नजर आ रही है हेड कोच गौतम गंभीर के द्वारा बनाई गई नई प्लेइंग 11।
केविन, किन किन खिलाड़ियों को दिया है टीम में मौका, कौन सा वो खिलाड़ी है जो अकेले दम पर भारत को दिलाएगा ये सीरीज। गौतम गंभीर ने हेड कोच बनते ही प्लेइंग 11 तैयार करते हुए ओपनिंग करने की जिम्मेदारी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के कंधों पर रखी है। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन दिखाया था और दोनों खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे।